दोस्तों, आज हम बिना गैस जलाए बहुत ही आसान विधि से गर्मियों में हमें एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो आज हम ऐसा ही एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल और एकदम जैसे कह सकते हैं ना, मिनटों में बन जाता है ऐसा मोहब्बत का शरबत बनाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट बन भी जाता है और बहुत ही कम सामग्री से ये बनता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर। पारुल धनुशरी चैनल में आज कुछ नया होने जा रहा है। क्या नया हो रहा है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वीडियो में कुछ नयापन है तो उसके लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दे। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हमने यहाँ पर पहले लिया है, मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर लिया जो कि खड़ी शक्कर आती है ना वो, और इसके अंदर हमने ले लिया है पहले 1 चम्मच पाउडर शुगर मतलब खड़ी शक्कर, और 1 चम्मच जो है हमने यहाँ पर रोज सिरप लिया है। और ये दोनों सामग्री को हमें ना बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, और अब आएगा यहाँ पर हमारा गर्मियों का एकदम फेवरेट ऑल टाइम सभी का ऐसा, यहाँ पर वाटरमेलन के टुकड़े। वाटरमेलन के टुकड़े हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच लिए हैं, और इन सारी सामग्री को हम मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर हमने जैसे कि 1 ग्लास से थोड़ा सा कम उतना हमने यहाँ पर ठंडा ठंडा दूध लिया है, और ये सारी सामग्री को हमें ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम ही अच्छे से। क्योंकि हमारा जो खरबूजा, अगर आपका ज़्यादा मीठा है तो आप इसमें चीनी ना भी मिलाओ तो भी अच्छा लगेगा। और अब हमने ना बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद एक बार है ना हमें इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ना थोड़े से और वाटरमेलन के टुकड़े डाल देंगे, और यहाँ पर हमने ना एक को पूरा क्रश करके मतलब कि हैंड ब्लेंडर से क्रश करके उस तरह से सर्व किया। तो तैयार है हमारा मिनटों में बनने वाला, गर्मियों में एकदम ठंडक देने वाला, और जिसे पीकर हमें बहुत ही रिफ्रेशमेंट लगे ऐसा हमारा मोहब्बत का शरबत। आप इसे थोड़े से रोज पीटल्स के साथ भी सर्व कर सकते हो, उससे भी है ना बहुत अच्छा लगेगा और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो तैयार है हमारा 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मोहब्बत का शरबत, एक को हमने क्रश किया और एक को हमने ऐसे ही सर्व किया। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको ये ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, तब तक पारुल भानुशाली की चैनल को फॉलो करते रहिए।